हेलो स्टूडेंट, तो आज अपन बात करते हैं गुरु नीति को जेई में एपिसोड 26 की, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला गया, एक फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू sin x अपॉन x, तो आपको दिस पार्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, और जो ऑप्शन है वो भी आपके fx के इंटीग्रेशन की फॉर्मेट में गिवन है। और एक जो पार्ट है ऑप्शन में वो क्या है कि इसमें तो लिमिट 0 से पाई बाई 2, इसमें लिमिट 0 से पाई है। तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, आप एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो इंटीग्रेशन में। तो क्वेश्चन आ गया बेटा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये आ गया बच्चों साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स की जगह आप पाई बाई 2 माइनस एक्स लोगे, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स तो आ गया कॉस एक्स, और अपॉन में आ गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, इतना आने के बाद अब देखो थोड़ा समझो। सबसे पहला काम यही करो कि इस लिमिट को पाई लाना है, तो क्या करो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक क्वेश्चन आ गया, i इक्वल टू 2 sin 0 से पाई बाय 2, या फिर एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे तो क्या बन गया, sin x cos x sin 2x का फार्मूला sin 2x। ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि एक तो लिमिट को आपको पाई लाना है, दूसरा आंसर भी fx की टर्म में लाना है। fx का मतलब इस अंदर वाले पार्ट को कंप्लीटली sin x / x में कन्वर्ट करना, ठीक है। और जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x पाई माइनस 2x। अब इतना आने के बाद सबसे पहले क्या करो, आप 2x को t पुट कर दो। जैसे ही आप इसमें 2x को t पुट करोगे तो dx हो जाएगा dt / 2 और लिमिट बन जाएगी 0 से पाई। तो देखो क्वेश्चन आ गया, देखते हैं इसको थोड़ा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई, तो साइन 2x तो क्या आ गया sin t अपॉन dx जाएगा dt अपॉन 2 और बेटा t / 2 x की वैल्यू पुट करोगे t अपॉन 2। यस सर, हां सर, और ये आ जाएगा सर पाई माइनस t। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया I इक्वल टू 0 to pi sin t। अब आप चाहो तो एक काम करो, प्रॉपर्टी 1 से वेरिएबल चेंज कर सकते हो, डमी वेरिएबल मतलब t को अभी आप x मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो sin x dx अपॉन क्या आ गया x ऑफ पाई माइनस x। अब ये करने के बाद देखो, इसी के बाद मेन स्टेप है, आप क्या करो इस 1 अपॉन x पाई माइनस x को ब्रेक कर दो पार्शियल फ्रैक्शन से। तो इसको अपन लिख सकते हैं I इक्वल टू 0 से पाई sin x, तो रखो एजीपी, और इसको आप लिख सकते हो बेटा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन पाई माइनस x। तो देखो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो आ गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब न्यूमेटर की बात करोगे एलसीएम लेने पे पाई न्यूमेटर में एक्स्ट्रा पाई आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा पाई आ रहा है तो अपॉन में पाई लगा देते हैं। तो ये आ गया I इक्वल टू 1 अपॉन पाई कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, और बाद में लिखोगे 0 से पाई sin x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक तो आ गया बेटा sin x / x प्लस सेकंड को भी जब आप सेपरेट करोगे तो क्या जाएगा sin x / पाई माइनस x, sin x / पाई माइनस x। इसके बाद अब थोड़ा सोचो, ये तो सीधा आ गया fx 0 से पाई, सॉरी ये तो आ गया fx sin x / इसका आ गया fx। और एक काम और करना है कि जब आप इस बाद वाले में प्रॉपर्टी x को रिप्लेस करोगे a plus b minus x से, तो देखो ये सेम फंक्शन आ जाएगा दोबारा, x इज रिप्लेस बाय a plus b minus x, या फिर ऐसे बोल दो ना कि पाई माइनस x को मैंने t मान लिया। कि पाई माइनस x को t मानोगे तो सीधा ये क्या बन जाएगा sin x / x, तो ये भी आपका fx बन जाएगा और ये भी आपका क्या होगा fx। अब सिंपल देखो ना कि जो fx है इस fx में करो पाई माइनस x, तो पाई माइनस x क्या होगा sin x पाई माइनस एक्स, तो आप इसको एफ ऑफ पाई माइनस एक्स लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी जब प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे तो ये अगेन क्या बन जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसको भी अपन एफ एक्स मान सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 0 से पाई एफ एक्स, तो आ गया 2 अपॉन पाई 0 से पाई एफ एक्स, ठीक है। तो आप सॉल्व करना इसको, तो इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, वैसे इंटीग्रल है अपने पास 0 टू 10 पाई tan inverse x gif। अब इसमें ये क्या है gif है, तो एक बात ध्यान रखना जब भी gif का क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन में तो इंटरवल चेक कर लेना, इंटरवल जैसे यहां पे क्या आ रहा है अपना 0 से 10 पाई, तो ये चेक कर लेंगे अपन कहां-कहां पर ये इंटीग्रल वैल्यू अपने को देगा, है ना। तो इंटरवल में अपन सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके ग्राफ की,
तो अपने को पता है ग्राफ क्या होता है टेन इनवर्स का, ये होता है, ये हो गया अपना प्लस फाइव बाई टू और ये हो गया माइनस फाइव बाई टू। अब आप ध्यान से देखो, अब अपने को जो इंटरवल है वो क्या है, जीरो से टेन पाई है, तो जीरो से टेन पाई इंटरवल मतलब क्या हो गया, जीरो से लेकर टेन पाई, टेन पाई कहीं आगे आएगा, थर्टी होगी लगभग वैल्यू 31.4। तो अपन एक काम करते हैं छोटा सा, क्या कि अपन देखते हैं इंटीजर कितने मिलेंगे अपने को। तो देखो टेन इनवर्स एक्स, तो एक काम मैं भी कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा ये भी देखो आप कि टेन इनवर्स की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, जीरो से, वैसे क्या होती है माइनस फाइव टू से प्लस फाइव टू होती है, बट अपने को जीरो से टेन पाई दे रखी है, तो क्या हो जाएगा जीरो से टेन पाई, लिख लेते हैं अपन टेन इनवर्स एक्स क्या होता है अपना, एक सेकेंड, टेन इनवर्स एक्स होता है अपना माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू, ये हो गया। बट अपने से क्या कह रहा है वो जीरो से ग्रेटर है, तो अपन क्या कर लेंगे टेन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन पाई बाई टू, ये हो गया। अब आप देखो ध्यान से, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है अपनी, जीरो से पाई बाई टू, और पाई बाई टू कितना होता है अपना 1.57, तो 1.57 से जीरो के बीच में कौन सा इंटीजर आएगा, सिर्फ एक ही आएगा दैट इज वन। तो अब देखो, अब अपने को पता है एक इंटीजर आएगा वन, और वन कहां पर आएगा पता है आपको, टेन वन पर आएगा, तो ये आएगा टेन वन पर। इसका मतलब क्या हो गया कि अपन इस इंटरवल को बस एक ही जगह अपने को ब्रेक करना है, और वो कहां करना है टेन वन पर। तो गिवन इंटीग्रल को यदि मैं आई मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो आई मैं यदि मान लेता हूं, तो ये आई हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टेन वन प्लस टेन वन से टेन पाई, और यहां आ जाएगा। अच्छा, अब मैं इसकी वैल्यू भी लिख देता हूं अभी, है ना, तो आप ध्यान देखो, जीरो से टेन वन, जीरो से लेकर टेन वन में जो उसका आउटपुट है वो क्या आ रहा है, ये वाला है, वो क्या आएगा, ये आएगा सिर्फ ये वाला पार्ट, और इसका जीआईएफ क्या बनेगा फिर, जीरो, तो जीरो से बनकर जीआईएफ जीरो बनेगा, तो उसका जीआईएफ क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया अपना, सीधे जीरो डीएक्स हो गया टोटल, जीरो डीएक्स। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, छोटा सा काम और कर लेते हैं, और अब टेन इनवर्स एक्स, अब टेन वन से लेकर टेन पाई तक देख लो आप, इस पूरे कर्व के लिए क्या रहेगी, For all values of x greater than 10, 1, ये हमेशा क्या, greater than equal to 10, 1, ये क्या रहेगा हमेशा 1 आएगा सर, ये क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि maximum value क्या उसके pi/2 मतलब 1.57, तो 1 से लेके pi/2 में क्या होगी इसकी सर GIF 1 होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 dx, yes, ये आ जाएगा 1 dx। तो अपन कह सकते हैं कि i की जो value find करनी हो किसी करनी हो सिर्फ और सिर्फ 10, 1 से 10 pi, और यहाँ पे आ गया dx, और 1 का integration क्या हो जाएगा अपना x, तो ये हो गया x, और लिमिट क्या है 10, 1 से 10 pi, तो कितना आंसर आ गया हमारा 10 pi माइनस 10, 1। तो इसका ऑप्शन नंबर कोई कौन सा सही हो जाएगा, ये सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट, उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये b का इंटरवल गिवन है 0 से पाई, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या गिवन है, k माइनस cos b, की जगह आप x भी लिख सकते हो, बट x ऑलरेडी मेंशन अंदर, तो उसने b मान लिया, ठीक है ना। n एक पॉजिटिव इंटीजर है आपका, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो क्या करना है अपन को, कुछ नहीं, इस लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करना है, तो इसको अपन i लेट कर देते हैं, अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते अपन i इक्वल टू, थोड़ा ढंग से देखना, इसको b पे ब्रेक करो आप, b का मतलब जीरो से पाई है, तो b पे ब्रेक करने पे देख सकते हैं, अरे कुछ नहीं, इसमें प्रॉपर्टी थर्ड का यूज करना है अपन को, तो देखो जीरो से b और v से v प्लस n पाई, लिखने में क्या दिक्कत है, जीरो से a से c और c से b मोड ऑफ साइन x dx। अब इधर देखो ये तो सिंपल हो गया, v का मतलब v आपका पाई से लेस है, तो ये वैल्यू अगर पाई से लेस है, इसका मतलब इस इंटीग्रेशन का की जो रेंज है वो, सॉरी इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो जीरो से पाई से लेस है, मतलब ये इंटीग्रेशन की लिमिट किसकी, dx का मतलब x की लिमिट है, तो x आपका जीरो से पाई से लेस है, मतलब फर्स्ट और सेकंड में है, तो sin x का मोड ओनली प्लस sin x होगा। और इसकी बात करूं तो थोड़ा देखना, ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, सबने, लिख देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, a से a प्लस nt fx dx को a से a कैंसिल कर सकते हैं अगर उसका पीरियड आपका t है, इस क्वेश्चन में पाई आ रहा है ना, तो मोड sin x का पीरियड पाई है, तो क्या बन गया a से a प्लस nt, तो अपन a से a को कैंसिल करेंगे तो सीधा आ जाएगा 0 से nt fx dx, ठीक है।
तो देखो इसके रिगार्डिंग ये आ गया i इक्वल टू, ये तो सीधा आ गया जीरो से v sin x dx, क्योंकि v आपका पाई से लेस है, ठीक है, तो मोर sin x फर्स्ट और सेकंड में प्लस के साथ ओपन होगा, और अगला आ गया b से v कैंसिल, तो ये बन गया बेटा जीरो से n पाई अगेन sin x मोर sin x dx, और अब बात करो तो मोर sin x का पीरियड अगर पाई है तो जीरो से n t, तो n को अपन मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, और ये तो सिंपल हो गया sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x लिमिट लगा देना 0 से v प्लस n, तो आपका बाहर आ गया, n बाहर आने के बाद लिमिट क्या बनेगी 0 से पाई, 0 से पाई का मीनिंग फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट और सेकंड में sin x पॉजिटिव तो सीधा प्लस sin x होगा, और प्लस sin x का इंटीग्रेशन अगेन माइनस cos x, लिमिट लोगे बेटा 0 से पाई, ठीक है। अब अपन को इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, सॉरी लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, देखो अपर लिमिट पुट करने पर जाएगा माइनस कोस भी और इसको पुट करने पर जाएगा प्लस वन, तो सीधे लिख देते वन माइनस कोस भी, ठीक है, वन माइनस कोस भी, यस प्लस प्लस एन इनटू, देखो जब आप अपर लिमिट पुट करोगे प्लस वन तो कोस पाई की वैल्यू क्या होगी माइनस वन, माइनस वन टू प्लस वन, और ये अगेन बन गया प्लस वन प्लस वन, तो क्या आ गया टू एन प्लस वन माइनस टू एन प्लस वन माइनस कॉस वी कॉस वी, और अपने से ये आपका इंटीग्रेशन आ गया आई, तो क्वेश्चन में पूछा के क्या होगा, तो के क्या आ गया टू एन प्लस वन, तो देन इसका सेकंड सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन फोर में देखो क्या कह रहा है, लिमिट दे रखी है अपने को, फंक्शन दे रखा है, तो देखो दो तरीके हैं अपने पास, एक काम करते हैं अपन, है ना, दो तरीके हैं, या तो क्या कर लो आप सीधे x को tan theta मान लो आप, है ना, तो x बराबर क्या मान लिया मैंने tan theta, तो x equal to tan theta लिखेंगे तो क्या हो जाएगा dx equal to sec square theta d theta, sec square theta d theta हो जाएगा, ठीक है, तो i equal अब अपने क्या कर लिया सीधे, अच्छा लिमिट क्या हो जाएगी, देखो जब x 0 होगा तो लिमिट क्या हो जाएगी 0, और x जब pi root 3 होगा तो theta कितना रहा होगा pi by 3, तो अपन लिख सकते हैं 0 से pi by 3, और अब डायरेक्ट लिखता हूं मैं सीधे लिख दूं क्या, जब यहाँ tan theta हो गया तो 1 plus tan square क्या हो गया sec square, तो ये आ गया sec square theta, यहाँ देखो क्या हो जाएगा sin inverse, अब यहाँ पे क्या है tan theta और यहाँ पर क्या tan square, तो 2 tan theta form में 1 plus tan square क्या होता है sin 2 theta, तो ये हो जाएगा sin 2 theta, अच्छा dx ये क्या जाएगा अपना sec square theta d theta, तो देखो ये तो इसे cancel out हो गया है ना, ये तो इसे cancel out हो गया, लेकिन बचा कौन अपने पास ये, अब इसमें तुम ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है कि sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा है, अब ना ये जो इंटरवल है वो क्या देखा है अपने को 0 से पाई बाय 3, तो अब देखो इंटरवल तो 0 से पाई बाय 3 देखने में क्या लग रहा है अपने को माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में आ रहा है, लेकिन यहां पर जो एंगल है वो क्या है 2 थीटा, तो एंगल ही 2 थीटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया जो इंटरवल है वो क्या बन जाएगा 0 से 2 पाई बाय 3 बन जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया सीधे सीधे, ये हो गया सीधे सीधे sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, तो ये आ गया आपका i इक्वल्स टू, देखो ये मैं आपको थोड़ा सा बताई दूं कि जब थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाय 3 को, तो 2 थीटा बिलोंग करेगा 0 से 2 पाई बाय 3 को, बट एज वी नो दैट क्या अपने को पता है कि sin इनवर्स ऑफ sin x, लिख लेते हैं sin इनवर्स ऑफ sin x, ये x के इक्वल होता है, बट कब होता है पता है, x बिलोंग करता है किसको माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 को, ठीक है ये होता है, बट इसमें इंटरवल क्या आ रहा है 0 से 2 पाई बाय 3 आ रहा है, तो इसको अपने को ब्रेक करना पड़ेगा कहां पर पाई बाय 2 पर, और पाई बाय 2 के बाद क्या होगा, पाई बाय 2 के बाद क्या होगा ये आपको याद है, या तो आप ग्राफ से कर लो इस तरीके से, है ना, या फिर क्या करो सीधे याद रखो, क्या याद रखो कि जब अपना x बिलोंग कर रहा है कहां से कहां पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, माइनस एक्स प्लस पाई कह लो या पाई माइनस एक्स कह लो, है ना, ये आती है, तो क्या हो गया इसका मतलब, इसको अपन ब्रेक कर लेते हैं इंटरवल को, किसमें ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट्स में, कौन कौन सा आई इक्वल्स टू इंटरवल को ब्रेक किया 0 से पाई बाय 4 हो जाएगा, समझ गए ना, क्योंकि 2 थीटा है वहां पर, तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ sin x, सीधे लिख दूं मैं 2 थीटा d थीटा, ये हो जाएगा आपका 2 थीटा d थीटा प्लस प्लस, अब अगला क्या आएगा पाई बाय 4 से पाई बाय 3, ये हो जाएगा पाई माइनस, अब यहां पे क्या आ जाएगा पाई माइनस x, है ना, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा d थीटा इनटू d थीटा, अब निपटा दो इसको, क्या हो जाएगा 2 थीटा का क्या हो गया अपना थीटा स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा स्क्वायर, अभी रेंज इसमें लिमिट लगा दो बस 0 से पाई बाय 4 प्लस, यहां पे क्या आ जाएगा कर लोगे इसको सॉल्व कर लोगे आप, है ना,
इसको सॉल्व करेंगे तो पाई थीटा माइनस, चलो लिख देते हैं इसको, पाई थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई टू, और लिमिट लगा देना, और लिमिट लगा दी मैंने पाई बाई फोर से पाई बाई थ्री। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा इसका। सॉल्व करने पे इसका इसका आंसर आएगा, फर्स्ट वाला है, ठीक है ना, ऐसे करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या करना है, अपन को एक फंक्शन गिवन है f(x) 0 से पाई बाई 2 ओपन ब्रैकेट में, तो आपको ऑप्शन देखने की f ऑफ 0 प्लस की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ पाई बाई 4 अप टू सो ऑन। तो देखो सबसे पहले अपन को उसको फंक्शन f(x) को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फंक्शन f(x) को फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या करते हैं, या आपको पता होगा कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर x प्रेजेंट है तो पहले x को रिमूव करो, तो उसमें एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा, x is replaced by a plus b minus x, मतलब x को replace करना, मतलब t को replace करना आपको 0 pi minus t से, 0 plus pi minus t से, तो ये replacement करोगे आपको सीधा आ गया fx equal to 0 से pi pi minus t, और sin pi minus t again आ गया sin t dt, ये सर बिल्कुल अपॉन में आ गया root of 1 plus tan square x as it is, और sin pi minus t अगेन sin t, सीधा आ गया अगेन sin t, ठीक। एक बार तो आपने ये कार्यक्रम कर लिया, तो अब जब आप क्या करोगे, इसमें लेट ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये लेट आपकी सेकेंड इक्वेशन है, सिंपल ये रिप्लेसमेंट किया। अब आप दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आ गया 2fx equal to 0 से pi, ऐड करने पे t sin t कैंसिल आउट, तो ओनली आ गया pi sin t dt, तो चलो pi को तो बाहर ले लेते हैं, तो आ गया sin t dt upon under root of 1 plus tan square x into sin square t, tan square x into sin square t, sin square t। ये आने के बाद अब देखो अपन को क्या करना है, इसको अपन इसमें से रिमूव कर देते हैं एक बार, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया 2fx, अब 2fx आने के बाद अपन को इसको इंटीग्रेट करना है, तो एक काम करो 1 - cos square लिख के नीचे वाले को cos को पहले sin square x को अपन सीधा बाहर ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कर तो sin square x को अगर डायरेक्ट आप बाहर लोगे तो ये जाएगा आपका 2fx equal to, या फिर एक काम और कर सकते हो, सिंपल है वो, इधर देखो ब्लैक बोर्ड पे आप जब इसमें प्रॉपर्टी 6 को यूज करोगे, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, एक बात की सोचो, अरे यार ये sin t है, अगर इधर cos t आ जाए तो क्वेश्चन फटाफट हो सकता है ना, तो cos t आने के लिए काम कर सकते हैं, या फिर इसको अपन sin square t को लिख देते हैं, 1 - cos square t और cos t को रख देंगे, हाँ ये भी सही है, आप ये भी कर सकते हो, सर वाला ऑप्शन भी सही है कि sin square t को लिखो 1 - cos square t, काम करो सिंपल, अपन cos t को p पुट कर देते हैं, लो फिनिश क्वेश्चन, तो आ गया 2fx equal to, देखना pi 0 से पाई, आगे पाई लगा देते हैं, cos t dt, तो sin t dt आएगा माइनस के dt, हां, और सॉरी ये लिमिट भी चेंज कर दो ना, cos 0 की वैल्यू तो क्या होगी 1, और cos पाई की वैल्यू क्या होगी माइनस की, सीधा लिमिट भी पुट कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस dt और अपॉन में आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x * 1 माइनस p स्क्वायर, p स्क्वायर, ये सब समझ में आ गया होगा सबको, तो देखो माइनस को हटाओगे तो लोअर और अपर लिमिट को इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इससे आ गया fx equal to pi by 2 minus 1 से 1 minus 1 से 1 dp upon dp upon, अब आप थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो, tan square x को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 plus tan square x तो आ गया बच्चों sec square x minus अंडर रूट आ गया, और एक बात सुनो सिंपल सी बात है, मेरे को tan square x को तो कॉमन लेना ही पड़ेगा इसमें, जब इसका कोफिशिएंट 1 होगा तो उसके बाद सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो चलो एक काम करते हैं टाइम बचाने के लिए, सीधा क्या करो इसमें, आप tan square x को कॉमन लो, तो tan square x को कॉमन लोगे तो बाहर आएगा बेटा मोर tan x, ध्यान रखना थोड़ा केयरफुली, और कॉमन लेने के बाद रूट के अंदर क्या आ गया tan square x कॉमन, तो इधर तो आ गया square x, अच्छा हां cot square x और माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस p square, p square, समझ में आया, cos square x tan square x कॉमन लोगे तो बाहर तो आ गया mod tan x, और ये बन गया cot square x + 1 - p square, और बेटा 1 plus cot square x cos square x, तो सिंपल क्वेश्चन आ गया fx equal to 5 by 2 minus 1 से 1 dp upon mod tan x root of
वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स ही कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये बन गया सर पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस और अब उसके बाद एक काम और कर सकते हो चाहो तो देखो ये मोड टेन एक्स तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया ना तो डीपी आ रहा है तो देखो ये अंडर रूट कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर तो पी को जब माइनस पी से रिप्लेस करोगे तो ये फंक्शन सेम आ रहा है मतलब ये फंक्शन इवन फंक्शन है और अगर फंक्शन इवन हो तो माइनस ए टू ए को क्या लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ जीरो जीरो से तो एक काम करो ये स्टेप सीधा कर देते इसमें या फिर लिख देते कोई बात नहीं कि प्रॉपर्टी फिफ्थ को यूज करना पड़ेगा तो प्रॉपर्टी फिफ्थ को जब आप इसमें यूज करोगे आप तो क्या आ गया एफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ तो ट्वाइस लिखने पे टू कैंसिल और ये लिमिट आ जाएगी ओनली जीरो से वन डीपी अपॉन मोर टेन एक्स रूट ऑफ कितना कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ पी स्क्वायर तो सिंपल फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन वन अपॉन साइन इनवर्स पी अपॉन ए तो लिख देते हैं तो फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू पाई अपॉन मोर टेन एक्स कॉन्स्टेंट बाहर आ गया ब्रैकेट साइन इनवर्स पी अपॉन कोसेक्स एक्स और लिमिट लगानी है जीरो से वन ये लिमिट पी की है तो पी की जगह पुट करना है तो क्या आ गया देखो एफ एक्स इक्वल टू पाई अपॉन मोर टेन एक्स साइन इनवर्स वन लेने पे तो क्या आ गया देखो ब्लैक बोर्ड पे साइन इनवर्स वन अपॉन कोसेक्स एक्स इज साइन एक्स न्यूमेरेटर में और माइनस जीरो पे तो साइन इनवर्स जीरो इज जीरो ठीक है तो अब देखो क्वेश्चन में जो इंटरवल गिवन है आपको वो इंटरवल गिवन है जीरो से पाई बाय टू तो बेटा अगर x 0 से पाई बाय 2 है तो पहली बात तो x अगर 0 से पाई बाय 2 है तो sin इनवर्स sin x को x लिख सकते हैं और 0 से पाई बाय 2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फर्स्ट में mod tan x भी आपका पॉजिटिव होगा ठीक है तो जल्दीबाजी में अगर मोड लगाना भूल जाओगे फिर भी आंसर सही आएगा आपका ठीक है ना तो पाई अपॉन आ गया वही tan x * x ये आ गया fx अब अपन बात करते हैं अपने ऑप्शंस की फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है f ऑफ 0 प्लस तो देखो x को 0 पुट करने पे ये 0 / 0 फॉर्म है तो लिमिट लगाओगे ना तो सीधा जाएगा f ऑफ 0 प्लस पाई आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस tan x / x की वैल्यू 1 होती है तो सीधा ये सॉल्व करने पे क्या जाएगा प्लस पाई माइनस पाई बोला गलत हो गया नहीं होगा f ऑफ पाई / 4 की वैल्यू के लिए सीधा पुट करो तो पाई / 4 पे tan पाई / 4 1 हटाओ तो पाई स्क्वायर / 4 आना चाहिए तो ये भी रॉन्ग होगा ऑप्शन हो गया थर्ड ऑप्शन की बात करो तो देखो f इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हां तो सिंपल सी बात है 0 से पाई / 2 का मतलब ओपन ब्रैकेट है ना तो 0 से पाई / 2 में tan x भी आपका कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा तो ये पाई x / tan x आपका क्या होगा कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा ठीक है तो इसका थर्ड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा ठीक है नोट करो उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की हां सर देखो क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है द फंक्शन f इज सच दैट 0 से इंफिनिटी के डोमेन रेंज हो गया अपने को कह रहा है कि fx equals to tan inverse of log x ठीक है तो fx अपने को गिवन है और अपने को इंटीग्रल फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करें अपन fx क्या वैल्यू रख देते हैं तो सबसे पहले मैंने इसमें वैल्यू रख दी तो क्या हो जाएगा ये 0 से सॉरी 1 से e 1 से e fx ही आ जाएगा tan inverse log x upon x dx x क्या है अपना ग्रेटर देन 0 हां ठीक है तो अब आगे चलते हैं अब अपने पास क्या है tan inverse of log x अब अपने को क्या देखना है कि log x का डेरिवेटिव कौन है 1 upon x dx तो क्या हो जाएगा log x को t रख दो आप log x को t रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 upon x into dx equal to dt हो जाएगा तो मैं एक काम करता हूं छोटा सा क्या log x को t रखेंगे तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा अब यहां लिखते हैं अब इसको अपन i equals to i मान लेते हैं है ना तो ये आ गया यहां लिख लेते हैं i equals to 0 से 1 ये आ जाएगा आपका 0 से 1 0 से 1 आगे लिमिट tan inverse है ना log 1 की वैल्यू 0 log e की वैल्यू 1 और tan inverse dt t अपॉन में वो तो चला गया dt के साथ dt 1 लगा के tan inverse t अब इसको अपन क्या करेंगे आइलेट लगा लेंगे 1 को मान लेंगे सेकंड फंक्शन tan inverse t को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन तो क्या हो गया ये देखो ये हो जाएगा सीधे लिख देते हैं मैं इसको फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि t और इसमें लिमिट क्या आएगी अपनी 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर हो जाएगा यहां पर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया t इनटू हो गया dt लिमिट है अपनी 0 से 1 अब ध्यान से देखो 1 प्लस t स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आएगा 2t तो यहां पे क्या है t तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो फटाफट से तो सीधे लिख सकते हैं अपन क्या कि नीचे वाले का ऊपर वाला क्या डेरिवेटिव तो आपने ये पढ़ाई है
कि f dash x upon fx होता है fx आ गया तो log fx आ गया सीधे है ना तो इसको लिख सकते हैं ln of 1 plus t square तो ये हो जाएगा minus का half ln of 1 plus t square positive है तो mod लगाने की जरूरत है नहीं अपने को तो 0 से 1 हाँ yes sir और यहाँ पर put कर देता हूँ मैं फटाफट से ना यहाँ पर आ जाएगा 1 रखेंगे तो pi by 4 इधर रख और बाकी हो गया 0 ये हो गया ये आ गया पाई बाई 4 log 2 आ जाएगा यहां से माइनस हाफ हां माइनस हाफ log 2 पाई बाई 4 तो पाई 4 माइनस हाफ log 2 यस सर ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया सर सॉरी हाफ log 2 है सेकंड ऑप्शन है ठीक है सेकंड आंसर जाएगा चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हां क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट इन 0 से पाई देखो सिंपल सी बात ये है कि ये आ रहा है डी अपॉन डी इसका मतलब इसका सबसे पहले क्या करना है डिफरेंशिएशन तो जब भी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करोगे लेबनीज फार्मूला लेबनीज तो क्या कहता है लेबनीज फार्मूला पहले अपर लिमिट पुट करो टी की जगह तो अपर लिमिट का मतलब sin x पुट करने पे आ गया 1 - sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x c स्क्वायर * अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो 1 अपॉन cos 1 - cos स्क्वायर x c स्क्वायर मतलब sin x को माइनस कर और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x को प्लस sin x इक्वल टू आ गया बच्चों 2√2 तो क्या रह गए 1 upon c plus 1 upon x equal to 2√2 ठीक है ना तो देन जब आप इसको लिखोगे तो क्या आ गया 1 upon c plus 1 upon x equal to 2√2 इसका जब बच्चों एलसीएम लोगे आप तो क्या आ गया sin x plus cos x equal to 2√2 sin cos और अब आपको पता होगा 2 sin x cos x को तो लिख सकते हैं sin 2x और बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना जब आप इस root 2 से डिवाइड करोगे तो चलो लिख देते हैं कोई बात नहीं तो ये आ गया 1 by root 2 sin x plus 1 by root 2 cos x तो देखो ये sin 2x है ना तो इसको sin का फॉर्मूला बनाओ तो ये तो लिख देना cos pi by 4 इसको sin pi by 4 ये फॉर्मूला बन गया बच्चों sin of a plus b का क्या आ गया sin 2x equal to sin of pi by 4 plus x ये सिंपल आ गया और अभी क्या बनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा तो क्या लिखोगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 4 प्लस x अब देखो 0 से 2 पाई में सॉल्यूशन चाहिए तो एक काम करो पाई n को नेगेटिव लोगे ना तो x नेगेटिव आएगा तो कोई मीनिंग नहीं है एक बार तो n को पुट करना है इसमें 0 तो सॉल्व करने पे देखो 0 हो गए ये 1 हो गया x कैंसिल होके x इक्वल टू आ गया ओनली 5 4 तो देखो एक ऑप्शन तो ये करेक्ट होगा तो वन सॉल्यूशन सिमिलरली आप देखना अगेन जब n को 1 पुट करोगे ना तो सेम 5 4 आने वाला है तो मतलब रिपीट हो गया फिर n को 2 लोगे तो x की वैल्यू आपकी नेगेटिव आने वाली वो भी देख लेना करके और जब n को आप 3 पुट करोगे ना अगेन तो देखो क्या जाएगा करके देख लेते हैं 2x इक्वल टू 3 पाई और माइनस तो माइनस 5 बाई 4 माइनस x तो कितना हो जाएगा 3x तो क्या आ गया 11 पाई बाय 4 3x इक्वल टू 11 पाई बाय 4 तो देन x इक्वल टू हो जाएगा 11 पाई बाय 12 तो ये वैल्यू क्या होगी पाई से लेस होगी इसके बाद जब n को ग्रेटर होगी बड़ी वैल्यू पाई से लेस ठीक है ना जस्ट छोटी तो इसके टू सॉल्यूशन होंगे पाई बाय 4 एंड 11 पाई बाय 12 इसका थर्ड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा ठीक है चलो उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 8 हां सर देखो उसको क्वेश्चन में 8 में वो क्या कह रहा है दी वैल्यू ऑफ दिस करते हैं शुरू सबसे पहली बात तो ये दिख रहा है मेरे को कि x मोड ऑफ sin x अपॉन में 1 प्लस मोड cos x तो अपने को याद है वही अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक क्वेश्चन किया था उसमें क्या था x * fx था तो x * fx तो अपन क्या कह रहे हैं 0 टू a में a - x वाली प्रॉपर्टी लगा लें या फिर ये कह दूं मैं कि लोअर लिमिट जब 0 नहीं होती तो अपन उसको बोलते हैं f of a + b - x हां तो इसको अपन ने क्या कर लिया प्रॉपर्टी लगा ली इसमें पहले प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी 0 to n pi n pi minus x बाकी तो सेम आ जाएगा सर बाकी सब कुछ बिल्कुल एज इट इज मोड है यस 1 प्लस 2 ये हो जाएगा ऐड कर दो आप अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं अपन इसको फर्स्ट मान के सेकंड तो 2 आई आ जाएगा अपना 0 से n pi 0 से n pi अब देखो सीधे लिख देते हैं अपन कैसे यहां पे n pi minus x है और यहां पर सिर्फ x है तो दोनों को ऐड करेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो अपने को पता है कि जो x वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो बचेगा तो उसमें n pi को बाहर निकाल लिया तो n pi और अंदर बचेगा अपना सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ sin x अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ cos x dx उसका पीरियड अब अपने को पता है कि इसका जो पीरियड है वो क्या है पाई है
क्योंकि मोड साइन एक्स साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई, बट मोड साइन एक्स मोड कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है पाई, तो इनका पीरियड क्या है पाई, तो पाई पीरियड है, तो ये सीधे मैं लिख सकता हूं इसको n स्क्वायर n पाई, और n आ गया आगे 0 टू n पाई, भी थोड़ी देर पहले अपने क्वेश्चन भी किया था पीरियड का प्रॉपर्टी का, तो 0 टू पाई, और यहां बचेगा अपना साइन एक्स का मोड अपॉन 1 प्लस मोड कॉस एक्स यस सर dx। अब अपन ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, अच्छा थोड़ा सा और इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, i इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई बाय 2, n स्क्वायर पाई बाय 2 लिख लूं इसको मैं, है ना, i इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से, अब देखो यहां पर आप देखो तो 0 टू इसको मैं लिखता हूं 2 इनटू पाई बाय 2 लिख सकता हूं इसको मैं, और यहां पर क्या है sin x 1 प्लस मोड cos x dx, तो इसमें ना फिर दोबारा से आप लगाओ तो 0 टू 2a वाली प्रॉपर्टी बन रही है ना, 0 टू 2a में क्या हो रहा है f ऑफ 2a माइनस x लौट के क्या आ जाएगा अगेन fx आ जाएगा, तो इसको मैं अगेन क्या लिख सकता हूं i इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई अपॉन में 2, और 2 आ गया आगे, और ये हो गया 0 टू पाई बाय 2, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अब जो इंटरवल आया है अपना वो क्या है 0 टू पाई बाय 2, इसका मतलब क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, सो यू कैन राइट ओवर हियर sin अपॉन में 1 प्लस cos dx, यस तो ये हो गया आपका 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया अपना n स्क्वायर पाई, और ये हो गया अपना 0 से पाई बाय 2 sin अपॉन में, अच्छा इसको मैं सीधे कर देता हूं, तो देखो 1 प्लस cos, 1 प्लस cos को t रखो आप, 1 प्लस cos को t रखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस sin x into dx क्या बन जाएगा dt, तो मैं ऊपर आ जाएगा माइनस का dt, अपन ने क्या किया है इसको बस t रखा है अपने इसको, है ना, अपन ने क्या कर दिया इसको t रख लिया, तो इसका डेरिवेटिव बन गया माइनस sin x into dx equal to dt, तो ये आ गया इसीलिए माइनस का dt अपॉन t, अपॉन में आ जाएगा ये t, और माइनस 1 अपॉन t, माइनस को आप बाहर ले जाना तो क्या बन जाएगा ये minus, ये पाई बाय 2 था यहां पर, है ना पाई बाय 2 माइनस n स्क्वायर पाई, माइनस n स्क्वायर पाई log, तो इसी लिए लिखते हैं इसको अपन log t आ जाएगा, और log t का मतलब हो गया देखो log ln t 1 प्लस, चलो t की वैल्यू रखते हैं सर, t की वैल्यू रख देते हैं, t क्या मतलब 1 प्लस cos, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos, 1 प्लस cos लिमिट 0 से पाई बाय 2, और लिमिट अपनी 0 से पाई बाय 2, यस सर, तो अब रख देंगे इसको सॉल्व कर लोगे आराम से, है ना, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 2 हो गए तो 0, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 क्या होता है 1, 1 प्लस 1 2, तो ln 2, तो कुल मिला के आ गया माइनस का n स्क्वायर पाई ln 2 प्लस हो जाएगा क्योंकि 0 माइनस है, अच्छा लोअर लिमिट रखनी तो नेगेटिव आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर पाई ln 2 n स्क्वायर पाई लो n स्क्वायर सॉरी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा n स्क्वायर पाई के लिए, चलो जी उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो 9 क्वेश्चन क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है, दो आपको gx फंक्शन गिवन है और ये जो एक इंटीग्रल है i इक्वल टू लेट 3 से x क्यूब e की पावर t स्क्वायर dt, इसको आपको gx की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो देखो कैसे करोगे, मतलब आपको दिस पार्ट को इसकी लिमिट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो देखो क्या करें इसमें, ये देखो 1 से x x है ना, तो इसको एक काम करो 1 पे ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि 1 से x में e की पावर t स्क्वायर को अपन gx ले सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करो 1 पे ब्रेक कर दो, तो ऐसे लिखने में क्या प्रॉब्लम है, 3 से 1 e की पावर t स्क्वायर dt प्लस 1 से x क्यूब, बोलो हाँ है ना, हो गया ना, a से c प्लस c से a, c से b से a, तो देखो थोड़ा ढंग से इसमें क्या करो, लोअर अपर लिमिट को इंटेंशन कर दो, क्योंकि लोअर लिमिट आपकी 1 होनी चाहिए, इसको तो एजिटेड लिख सकते हैं अपन पहले, 1 से x क्यूब e की पावर t स्क्वायर dt, क्योंकि लोअर लिमिट को 1 लाना है, सिंपल सी बात है, उसी केस में gx की बात की जाएगी, और इसमें लोअर अपर लिमिट को इंटेंशन करो तो क्या जाएगा माइनस 1 से 3 e की पावर t स्क्वायर dt, और अब आप थोड़ा देखोगे ढंग से देखो gt, जब आप इसमें x को 3 पुट करोगे बेटा तो g3 क्या जाएगा 0 से 3 e की पावर t स्क्वायर dt, तो ये तो बन गया g3, और इसमें बात करोगे तो देखो 1 तो सही है इसमें, ये x क्यूब आ रहा है, तो आप इसमें x को अगर x क्यूब से रिप्लेस करोगे तो क्या जाएगा gx क्यूब इक्वल टू 1 से x क्यूब, तो ये तो बन गया gx क्यूब माइनस g3, तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा g, फर्स्ट ऑप्शन gx क्यूब माइनस फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है,
उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल दिस, इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट देखिए 0 से 3π/4। तो सिमेट्री वाली क्वेश्चन में क्या लग रही है, 1 + x, 1 - x, sin x cos x, है ना। थोड़ा सा क्या है कि अपन थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, आई मान लेते हैं इसको अपन, आई लेट करके और उसके बाद लिमिट होगी 0 से 3π/4। अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा साइन एक्स और वहाँ क्या जाएगा कॉस एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन प्लस कॉस, ये तो कर दो एक पार्ट तो अलग। अब दूसरा पार्ट में देखो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिया अंदर हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये हो गया डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ दोनों को सेपरेट कर ही देता हूँ अभी, है ना, तो दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यस साइन प्लस कॉस, डी एक्स अलग कर दिया प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया मैंने, ठीक है ना, दोनों को क्या कर दिया सेपरेट कर दिया इंटीग्रेशन। तो अब ये हो जाएगा 0 से 3π/4 साइन प्लस कॉस एज इट इज डी एक्स प्लस। अब देखो ये क्या बन रहा है अपना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, ये लिमिट है 0 से 3π/4, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ये, तो इसको मान लिया मैंने फर्स्ट और इसको मान लेते हैं अपन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा पता है, साइन का माइनस कॉस और साइन, तो ये माइनस साइन आ जाएगा इसमें, है ना, इसमें आ जाएगा माइनस साइन, चलो ऐसे लिख देते हैं, ये आ जाएगा माइनस का साइन माइनस का कॉस और लिमिट होगी यहां पर 0 से 3π/4 माइनस। अब अगेन एक्स का तो वन हो गया, एक्स का तो वन हो गया और इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन माइनस कॉस, समझ गए ना, माइनस कॉस माइनस साइन, तो उसको अब 0 से क्या हो गया 3π/4 डीएक्स। अब देखो ध्यान से यहां पर क्या है साइन प्लस कॉस और यहां पर क्या है माइनस साइन, कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो साइन प्लस कॉस यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है, तो ये डबल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, ये तो ये क्या हो गया ट्वाइस हो गया अपना, ये आ गया ट्वाइस ऑफ दिस पार्ट और इसमें तो सीधा लिमिट पुट कर दे, हां इसमें लिमिट आ रही है इसकी 3 माइनस कॉमन ले लो आप, तो कितना जाएगा x * sin 3π/4 sin 3π/4 1/√2 1/√2 आ गया √2 और बाद में 0 पुट करने पे तो 3π/4% थोड़ी मिस्टेक होगी थी बेटा से, कि जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे ना 3π/4 तो इसमें ये 0 बन जाएगा, क्योंकि माइनस तो आगे भाग 3π/4 और साइन 3π/4 तो 1/√2 और ये माइनस के 1/√2 0 आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया अपना 0। तो देन आप लिमिट पुट करोगे तो क्या आ गया, देखो इक्वल टू 2 तो बाहर है, साइन 135 1/√2 और ये माइनस के 1/√2 तो प्लस बन जाएगा, तो ये आ गया √2 माइनस लोअर लिमिट पे साइन 0 और 0 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस। और अगर आपको ये पता हो बेटा तो देखो √2 - 1 तो 10 में वैल्यू होती है 22.5 की और √2 + 1 67.5 और 67.5 का मतलब 3π/8 तो देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। चलो नोट करो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आंसर बताओ क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में देखो क्या कह रहा है, लिमिट अपने को देखिए लैम्डा टेंडिंग टू 0 एंड अपने को इंटीग्रल भी अंदर एक, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं देखो दो बातें हैं, या तो चलो पहले अपन क्या करते हैं सीधे इंटीग्रेशन कर लेते हैं, कर दो इंटीग्रेशन करके अपन क्या करते हैं सेपरेट इंटीग्रेशन कर दो इसका, हाँ इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना। तो अब पहले मेरे को ये बताओ 0 से 1 1 + x^λ dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसको आई मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं, तो आई इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 + λ + 1 upon λ + 1 upon λ + 1 लिमिट पुट कर दो उसमें, ये आ गया आपका लैम्डा, ठीक है 0 से 1 आ दो लिमिट। अब अपनी लिमिट क्या थी इसमें 0 to 1, ठीक है तो कर लो क्या हो गया ये 1 पावर λ, ये आ गया 1 यानी 2 to the power λ + 1 upon 1 + λ। अब जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 की पावर एनीथिंग 1 होगा तो -1 एलसीएम ले लिया मैंने, तो सीधे ही आ गया था आई। अब अपन क्या करते हैं ये वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहां रख दें तो यहां रखते फिर क्या होगा सीधे लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू 0
2 की पावर लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सॉरी माइनस 1 माइनस माइनस 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 की और होल टू द पावर है 1 अपॉन लैम्डा। तो अब अपन क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, जब मैं यहां लैम्डा की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, 1 अपॉन में 1 1, तो 1 की पावर क्या रहा है इनफिनिट। और जब भी पावर लिमिट क्या होती है, 1 की पावर इनफिनिट की फॉर्म होती है, तो अपने को पता है उसको अपन क्या करते हैं, e की पावर में चला जाएगा पूरा लिमिट है ना, और उसमें से क्या होगा fx माइनस 1 और gx आ गए, तो क्या हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा e टू द पावर लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू 0 1 अपॉन लैम्डा इनटू 2 टू द पावर लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1। तो अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, बस लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू 0 ये आ गया आपका 1 अपॉन लैम्डा इनटू लैम्डा प्लस 1 और ये हो गया आपका माइनस लैम्डा। तो इसको मैं सीधे लिखता हूं 2 की पावर लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 यस सर ये आ गया। अब देखो अब लैम्डा रखो इसमें, तो लैम्डा रखोगे तो क्या हो जाएगा 0 बाय 0 की फॉर्म बनेगी, और 0 बाय 0 की फॉर्म बनेगी। तो दो तीन तरीके होते हैं अपने पास करने के, जिसमें से अपने पास क्या होता है डीएल रूल है ना, डीएल हॉस्पिटल रूल। डीएल रूल क्या कहता है, अपने से अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या कर लें, अलग अलग डिफरेंशिएट कर लें ना, ऊपर और नीचे दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लें। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू 0। अब देखो ऊपर 2 की पावर लैम्डा प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर लैम्डा प्लस 1 इनटू ln 2। हां तो ये हो गया 2 की पावर लैम्डा प्लस 1 इधर लिख दो, ये आ गया e टू द पावर लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू 0, यहां पर आ जाएगा 2 की पावर लैम्डा प्लस 1 ln 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर का 2 लैम्डा प्लस 1। यस सर लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा हो गया 2 लैम्डा प्लस 1 कर दो जी। अब लैम्डा की वैल्यू 0 रखते हैं हम, तो लैम्डा 0 रखेंगे तो ये तो 1 हो, ये तो 2 हो गया, 2 ln 2 माइनस 1 अपॉन 1 और अपॉन में आ जाएगा 1, तो ये आ गया और ये आ गया e की पावर ln 4 कर दो उसको सीधे लिख देते हैं है ना, ln 4 हो गया e की e टू द पावर ln 4 और नीचे आ गया था अपना 1। ठीक है तो माइनस 1 और था ना ऊपर, वो माइनस 1 होता आ गया। यस माइनस 1 तो ये आ गया e टू द पावर ln। अब देखो ln 1 क्या होगा, ln e की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे इसको लिख सकते हैं ln 4 अपॉन e लिख देंगे इसको। यस सर तो बेस दोनों का क्या हो गया सेम, ln का और पावर का, तो क्या बचेगा 4 अपॉन e, तो इसके जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4 अपॉन e आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको आइलेट करके क्या करो बेटा, 1 अपॉन x से अंदर मल्टीप्लाई करके दो इंटीग्रेशन बना दो आप, तो क्या आ गया i इक्वल टू लिमिट e से e की पावर 2010, एक तो आ गया 1 बाई x प्लस इस पे भी सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस ln x dx अपॉन x ln x और ln x अपॉन ln x। ठीक है तो देखो जब फर्स्ट का इंटीग्रेशन करोगे तो log x 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x और log x में चलो लिमिट अपन इजीली पुट करते हैं e से लेके e की पावर 2010 और इसमें क्या करना है देखो इसको अगेन रीराइट कर देना, इसमें तो जो लिमिट पुट करोगे तो ln e की पावर 2010 2010 और ln 1 ln e 1 आ गया, मतलब ये तो सॉल्व करने पे 2009 आ जाएगा आपका। ठीक है इसको कैसे करना है, इसमें क्या करोगे आप x अपॉन ln x को बेटा इसमें t पुट कर देते हैं, तो देखो पुट x अपॉन ln x को जब t कंसीडर करोगे तो देखो इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा आपको। तो एक काम करो डिनोमिनेटर एज इट इज x का 1 माइनस x एज इट इज log x का 1 अपॉन x, तो क्या आ गया 1 अपॉन ln स्क्वायर x dx इक्वल टू आ गया बच्चों dt। तो देखो 1 माइनस ln x dx अपॉन ln x इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं dt इनटू ln x, या फिर एक काम करो समझने के लिए आप ln x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो चलो इसको जब ln x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ गया ln स्क्वायर x और इधर लगा देते हैं बस समझने के लिए ln x। तो देखो 1 माइनस ये जो पार्ट है आपका ये तो सारा चला जाएगा dt में, तो क्वेश्चन आ गया i इक्वल टू उसकी तो वैल्यू क्या 2009
प्लस प्लस क्या माइनस लिखो सीधा, क्योंकि ये ln x माइनस वन है तो एक माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो आगे माइनस लिमिट को थोड़ा बाद में पुट करते हैं, तो इसकी तो वैल्यू आपको पुट करनी है बच्चों dt। तो देखो ये तो आ गया dt अपॉन, देखना थोड़ा ढंग से नीचे जाएगा ln x अपॉन x, तो आपने x अपॉन ln x को t माना है, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 अपॉन t, तो ये तो आ गया 1 / t, ये ln x पर t गया और ये आ गया ln of t, क्या गया ln of t, यस ये सही करना है। और अगर आप सीधा इसमें ln of this part को t मानते हैं ना, तो सारा एक साथ dt में चला जाता है, ठीक है ना। अगर इस कंप्लीट पार्ट को सर अपन क्या मानते हैं t, तो सारा dt में चला जाता है, तो एक स्टेप बच जाती है अपनी। अब अपन लिमिट पुट कर देते हैं, देखो लिमिट में क्या पुट करोगे, जब बेस नीचे वाला e पुट करोगे तो ln e तो 1 तो ओनली e आ जाएगा, log e की वैल्यू 1 तो ओनली क्या आ गया e आ गया, और इसमें पुट करोगे तो देखो इधर तो आ गया e की पावर 2010 अपॉन 2010, थोड़ा लिखने में कॉम्प्लेक्स है बट कर सकते हैं। अब इसके बाद सीधा आंसर लिखा जाएगा, देखो जब आप log x को बच्चों t कंसीडर करोगे तो 1 upon t dt dp में चला गया, तो 1 upon p का इंटीग्रेशन log p और p की जगह ln t, तो ln of ln t आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये आ गया अपना क्या i equal to 2009 minus ln of t, और लिमिट लगानी है e से लेके ये जो पार्ट है आपका e की पावर 2010 अपॉन 2010। चलो अब अपन इसमें लिमिट पुट करके इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो चलो पहले पुट करोगे अपर लिमिट, तो देखो अपर लिमिट पुट करने पे क्या आने वाला है, आई इक्वल टू 2009 माइनस अपर लिमिट पुट करो, देखो ब्रैकेट में लिखते हैं ln of e की पावर 2010 अपॉन 2010, यस सर। और क्या आ गया माइनस ऑफ, जब e पुट करोगे तो ln e1 और ln 1 की वैल्यू जीरो, ये तो जीरो हो गया, इसको आप सीधा हटा सकते हो। चलो और अब क्या करना है, इसके अंदर बेटा ये फॉर्मूला बन गया क्या, log a अपॉन log b, तो बेटा log a अपॉन b को क्या लिख सकते हैं, देखो 2000 माइनस ब्रैकेट, इस ln को तो बाहर रखो और ब्रैकेट में क्या आ गया ln e की पावर 2010 माइनस ln ऑफ 2010, ln ऑफ 2010 जीरो तो हटा दो आप, और बाद में आप चाहो तो इस log का बेस मल्टीप्लाई में ला सकते हो, ठीक है सर। तो क्या आ गया 2009 माइनस ln ऑफ 2010 कर देते मल्टीप्लाई, हाँ ब्रैकेट 2010 2010, ये देखो ये सारा पार्ट इस लॉक के अंदर ही थोड़ा केयरफुली ध्यान रखें आप, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2010 माइनस ln 2010, इस टाइप से आपको बस इसके गुणा भाग करना है, ठीक है। तो चलो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, 2009 माइनस ln 2010 माइनस, तो इसका बच्चों फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर है। चलो उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में देखो क्या करना है, सिंपल अपने पास इंटीग्रल है और इसमें अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इसको। तो सबसे पहली बात तो ये कि या तो मैं क्या करूं, दो बातें, या तो क्या करें इसको अपन रेशनलाइज वगैरह करके देखें, या फिर सिंपल से काम क्या कर सकते हैं, डबल रूट आ रहा है तो अपन क्या करें एक रूट को कम से कम क्या करते हैं वहां से रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट करने की ट्राई करो, रूट के लिए रूट को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, मैंने क्या किया माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 4 को t मान लिया है ना, या आप कह सकते हो 2x माइनस 4 को t स्क्वायर मान लिया, यस सर। तो अब क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, यहां से आ जाएगा 2dx इक्वल्स टू 2t dt, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा dx इक्वल्स टू t dt, तो dx वैल्यू मिल गई। अब मेरे को देखना है कि 2x माइनस 4 को तो मैंने रख दिया t स्क्वायर, लेकिन आगे देखूं तो x और आ रहा है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई t स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2, यस। अब सब कुछ तैयार है अपने पास, बस अपने को यहां पे पुट करनी है वैल्यू। अच्छा लिमिट भी देख लेता हूं, लिमिट क्या आने वाली है, जब x की वैल्यू 3 होगी तो 3 6 माइनस 4 2 यानी कि रूट 2, तो लिमिट आ जाएगी लोअर लिमिट रूट 2। अपर लिमिट की बात कर लेते हैं, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 5 रखोगे तो 5 2 10 10 माइनस 4 6 6 का अंडर रूट, यानी कि ये हो गया रूट 6। अब मैं बात करता हूं रूट के अंदर क्या आएगा, तो अंदर क्या आएगा रूट ऑफ x, x की जगह आएगा t स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2, और बात करें अपन 2t, हाँ ये आ गया 2t प्लस अंडर रूट ऑफ सब कुछ सेम है, बस बीच में माइनस साइन आ रहा है, तो t स्क्वायर प्लस 4
अपॉन टू माइनस ऑफ टू टी। यस सर। अब आगे डी टी डीएक्स ये क्या आ गया टी डी टी आएगा तो यहां पर आएगा टी डी टी। अब देखो आगे अब इसको सिंपलीफाई करोगे ना देखो अब कर लेते हैं ऐसे देख के टू टू जा फोर तो यहाँ पे बनेगा टी स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर टी विच इज अ होल स्क्वायर ऑफ टी प्लस टू और यहाँ पर जब अपन करेंगे तो क्या होगा एलसीएम लेकर टी स्क्वायर प्लस फोर माइनस का फोर टी तो यहाँ हो जाएगा टी माइनस टू का होल स्क्वायर। तो इसको अपन लिखें तो प्यार से कैसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू में ये आ गया रूट टू से रूट सिक्स और यहाँ पर जाएगा कॉमन आगे बनवाए रूट हाँ टी प्लस टू का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा टी माइनस टू का होल स्क्वायर टी डी टी। यस सर। और अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा तुम्हें वन बाई रूट टू बार रूट टू में भाग ले लिया तो ये हो गया वन बाई रूट टू। अब आप देखो ध्यान से लिमिट क्या है अपनी रूट टू से रूट सिक्स कैसी है रूट टू से रूट सिक्स पॉजिटिव है पूरा इंटरवल तो इसमें आप रखोगे तो इसका तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा टू में प्लस करोगे इसमें से कोई भी क्वांटिटी तो क्या आएगा पॉजिटिव तो ये इसका तो क्या होगा सीधे सीधे रूट टू से रूट सिक्स इसका तो क्या होगा सीधे सीधे अपना बाहर आ जाएगा टी प्लस रूट टी प्लस टू सॉरी टी प्लस टू और यहां पर आप ध्यान से देखो ना तो क्या हो रहा है टी माइनस टू में क्या होगा रूट टू से रूट सिक्स के बीच में क्या आ रहा है टू आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया ब्रेक करना पड़ेगा इंटरवल अपने का मॉड टू पर तो अपन क्या करें मॉड ऑफ टी माइनस टू लिख सकते हैं इसको अपन इनटू डीटी टी के साथ ये हो गया। अब आ जाते हैं अपन कहां पर इसको इंटीग्रेट करना है इसको तो कर दो सेपरेट टी से मल्टीप्लाई बस इसको तो अपन क्या कर लें टी इनटू टी टी स्क्वायर तो आ जाएगा आई इक्वल टू वन अपॉन रूट टू भाई देखो उसमें करना क्या है ये तो सेपरेट है आपका और इसको सीधा इंटीग्रेट करना है तो टी से मल्टीप्लाई कर दो ये तो आ गया टी स्क्वायर प्लस टू टी से रूट सिक्स टी स्क्वायर प्लस टू टी टू टी तो इसका तो सीधा आप क्या कर देना इंटीग्रेशन तो आपका आंसर जाएगा प्लस इसमें देखो क्या होगा इसको जो सेपरेट करोगे आप तो देखो टी इक्वल टू टू पे जीरो होगा ना तो टी की वैल्यू टू से छोटी लोगे तो ये नेगेटिव होगा तो उसको टू पे ब्रेक करना है तो ये आ जाएगा बेटा रूट टू से टू प्लस टू से रूट सिक्स और अब लिखना क्या वो देखो जब टी आपका टू से लेस होगा तो ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा टू माइनस टी तो क्या आ जाएगा प्लस की जगह कर देते माइनस टी माइनस टू ऑफ टी डी टी तो एक काम करो बाद में टी से कर देना आराम से मल्टीप्लाई और t जब 2 से ग्रेटर होगी तो क्या होगा तो सिंपल प्लस के साथ आ गया t माइनस टू टी ऑफ dt। अब एक काम करना इसके बाद सिंपल हो गया क्वेश्चन इसका इंटीग्रेशन आपको पता है t से मल्टीप्लाई इनका भी इंटीग्रेशन पता है इंटीग्रेट करने के बाद जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बस आपको क्या करनी है कैलकुलेशन तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना जो भी आंसर है वो आपका आ जाएगा बेटा ठीक है। चलो उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है देखो क्वेश्चन में बोला गया कि एबीसी रियल नंबर है और 3a प्लस 5b प्लस 15c आपको जीरो गिवन है और ये इक्वेशन गिवन है ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c जीरो फिर आपसे ऑप्शन में क्या बोला गया उसको पढ़ो कि दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूटेड माइनस वन से जीरो जीरो टू वन माइनस वन टू वन और माइनस वन टू वन ठीक है नो रूटेड माइनस वन टू वन और ये क्वेश्चन मोर देन वन का थोड़ा ध्यान रखना देखो इसमें आओ इधर ये ध्यान रखें जब भी आपको एटलीस्ट रूट की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है एटलीस्ट का मतलब कि रूट आपका किस इंटरवेल में लाई करता है तो जनरली अपन को बेटा यूज करना रॉल्स थ्योरम को किसको यूज करना बोलो क्योंकि रॉल्स थ्योरम से अपन इजीली चेक कर सकते हैं कि रूट्स लाई विच इंटरवेल और जब अभी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जो रॉल्स थ्योरम बोलती है ना कि एफ ऑफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल है पहले रॉल्स थ्योरम को सीखो थोड़ा और एफ ऑफ ए equal to f of b के equivalent है तो आप क्या बोलते हो कि that equation f dash x equal to 0 है जो one root belongs to a to b at least one root belongs to a to b तो at least one root की information आपको लेनी तो अपने पास एक option है Rolle's theorem तो Rolle's theorem में condition क्या है fx cnd होना चाहिए f of a f of b की equal है तो f dash x का जो root है वो 100% a to b के बीच में lie करेगा मतलब जो Rolle's theorem है उससे अपन को किसके roots का idea मिलेगा सर f dash x का और अपन को दिस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना है कि वो किस इंटरवल में होंगे तो क्या करोगे ये जो इक्वेशन गिवन है इसको f dash x कंसीडर करना है ठीक है ना क्योंकि तो रूट्स की इंफॉर्मेशन किसकी मिलेगी अपन को f dash x की अप्लाई तो रॉल्स थ्योरम fx पे करोगे बट रूट की इंफॉर्मेशन किसकी मिलती है f dash x की तो चलो अपन इसको क्या लेट कर लेते f dash x तो f dash x आ गया सर ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c आपको दिस इक्वेशन के रूट्स को चेक करना है कि इसके कितने रूट हो सकते हैं किस इंटरवल में
अब ये तो आपने f dash x सिलेक्ट किया, रोल्स थ्योरम अप्लाई किस पे करते हैं, f x पे इंटीग्रेट। तो f dash x से f x लाने के लिए क्या करूं, उसका बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो f dash x का तो बच्चों f x आ गया, ये क्या होगा, ax की पावर 5 अपॉन 5 प्लस bx क्यूब अपॉन 3 प्लस cx प्लस d लेट कर देते। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, ये देखो ये पावर 5 मतलब एक पॉलीनोमियल इक्वेशन है, तो ये ऑलवेज c एंड d होगी कांटिटी डिफरेंशिएबल, तो केवल f ऑफ a f ऑफ b देखना है। तो देखो अपने ऑप्शन में तीन ही बात की गई है, -1 0 और 1 पे, तो अपन एक काम करते हैं, पहले पुट करते हैं x को -1। तो देखो -1 पुट करने पे क्या आएगा, -a/5 -b/5, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो b/3 और इसमें से भी माइनस कॉमन सी, ये जीरो हो जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो 5 एलसीएम लेने पे 15, तो 3a+5b+15c को जीरो के बिना, तो इससे सीधा आ गया f(-d) आ जाएगा, हाँ है ना। फिर उसके बाद अपन जीरो पुट करते हैं, तो जीरो पुट करने पे तो सीधा देख ही गया आपको d आ गया। सिमिलरली जब x को 1 पुट करोगे तो कुछ नहीं है, माइनस नहीं होगा, तो ये भी क्या जाएगा आपका d, समझ में आई सबको। तो एक कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशियबल है फंक्शन, और माइनस वन और जीरो पे दोनों पे वैल्यू सेम है, इसका मतलब 100% x बिलोंग्स टू -1 से जीरो में f डैश हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब f डैश x इक्वल टू 0 का एक रूट 100% होगा। f ऑफ 0 भी 0 है, f ऑफ 1 भी 0 है, इसका मतलब इसके बिटवीन भी 100% एक रूट f डैश x का एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो एक आंसर तो होगा कि -1 से 0 के बीच में रूट होगा एटलीस्ट 0 to 1। और ये बोलने के बाद अगर ऐसे बोल दे कि x belongs to -1 से 1 के रूप में रूट एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी बात आ रहा है, कम से कम दो हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, एट लीस्ट 1 रूट माइनस 1 ये भी करेक्ट होगा, 0 टू 1 ये करेक्ट है, एट लीस्ट 2 रूट ये भी सही होगा, नो रूट ये रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। चलो तीन ऑप्शन सही हो गए, हां तो ठीक क्वेश्चन था। उसके बाद देखो सर क्वेश्चन नंबर 15, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 में देखो क्या कह रहा है ये, अ कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन एफ सेटिस्फाइज द कंडीशन दिस फॉर ऑल रियल एक्स। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको अपन आपको फंक्शन को मोनोटोनिसिटी देखनी इंक्रीजिटी अपने को और fx बताना कैसा फंक्शन है। तो फंक्शन की जब भी मोनोटोनिसिटी वगैरह देखनी है अपने को, तो क्या कर लें अपन, f(x) मिल जाए मेरे को, हां तो f(x) यदि पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग, यदि डिक्रीजिंग नेगेटिव आ रहा है तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करें फंक्शन लिख लेते हैं, ये है आपके पास 0 टू x ft dt equals to f2x minus 1। तो अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, लिबनीज थ्योरम आपको बताइए क्या होती है, कि अपन ने क्या किया दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर लिया फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, याद है आपको अपर लिमिट क्या करेंगे फंक्शन में, अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा f ऑफ x। अब अपर लिमिट का क्या कर लेंगे डेरिवेटिव, तो d अपॉन dx ऑफ x माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो f0 इनटू 0 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल्स टू में क्या आ गया 2fx f(x) इनटू f(x) माइनस 0। क्या आ गया अपने पास सॉल्व हो के fx, ये 1 हो गया ये 0 हो गया, यहां से 2fx इनटू f(x). तो एक काम करता हूं, चलो लिख लेता हूं थोड़ा सा और, fx इक्वल्स टू 2fx f(x) इनटू f(x). अब आप देखो ध्यान से इसको इधर ले आओगे तो कॉमन क्या आएगा, fx कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1-2f(x) यस इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो तो fx की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से 0 आ रही है दूसरी बात जो एफ डैश एक्स है वो कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया कि वो जो फंक्शन है वो कैसा है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, तभी वो रहा होगा क्योंकि लीनियर फंक्शन है और लीनियर में डेरिवेटिव कैसा रहा है पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या हो गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो आप देखो ध्यान से तो ये हो जाएगा हमारा क्या f(x) हाफ आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, सही लिख दिया ना पूरा। और लीनियर के लिए इसका डिफरेंशियल x/2+c तो x/2 एक लीनियर है तो आपका आंसर है, ठीक है। अब इसमें देखो ये f(0, 0) आ रहा है f(x) 0 यही है ना सर, हाँ f(x) = 0 इसका क्या पॉसिबल नहीं है। तो देखो जो अपनी ओरिजिनल क्वेश्चन में थी ना ओरिजिनल इक्वेशन, इसमें अगर f(x) को 0 लोगे तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया तो क्या आ गया 0 = -1, तो ये मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन में था नहीं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, अदरवाइज फिर अपन ध्यान रखना पड़ता है।
तो इसका ऑप्शन ऑप्शन आ जाएगा f इज मोनोटोनिक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग यस एक तो फर्स्ट आंसर f इज डिक्री नो f इज नॉन मोनोटोनिक नो मोनोटोनिक है द ग्राफ ऑफ fx यस इट्स अ लीनियर फंक्शन यू कैन से तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आ गया जी सर उसके बाद देखो 16 ही तो कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन आ गया चलो देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन बोल ले देखो इसमें क्या करना है आपको एक फंक्शन दे रखा है fx equal to x minus 1 x minus 2 x minus 3 dot 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 x minus n और ये जो इंटीग्रेशन है ये gx की इक्विवेलेंट है तो इसको थोड़ा ढंग से देखो क्या चीज है ये आपको दिखना चाहिए इसको चलो मैं लिखता हूं फिर देखेगा अपॉन में आ रहा है f2x यानी तो इसको fx लिखो और इधर अरे ये लिखने के बाद ही दिख जाएगा आपको ये इसका डिफरेंशिएशन है देखो ढंग से आप बिल्कुल सही है ना न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज fx का f(x) माइनस f(x) और f(x) अपॉन होल स्क्वायर ठीक है ये इसका इक्विवेलेंट आ गया gx + c और इंटीग्रेशन का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हट जाएगा तो सीधा आ गया से gx = f(x) / इसका तो यूज ये इसे gx फंक्शन आ गया f(x) / तो अब अपन इसको तो हटा देते हैं तो सीधा लिख देते हैं कि सर gx फंक्शन तो क्या होगा अपने पास f(x) / fx और fx अपन को पता है तो फर्स्ट पार्ट p क्या कॉलम मैचिंग का कि f डैश n ये बेटा f डैश n थोड़ा दिख कम रहा है इसमें कि f डैश n अगर 5040 है तो बताओ n इज डिविजिबल बाय तो सबसे पहले आपको n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है देखो इस कुछ ये तो सिंपल पार्ट है आपका तो देखो इसके लिए तो क्या करना है जरा अपन को जो फंक्शन गिवन है fx उसको एक बार लिख लेते हैं अपन ये क्या होगा x - 1 x - 2 डॉट 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 x माइनस n अब देखो इसको करना तो सिंपलेस्ट है एक काम करो इससे जस्ट प्रीवियस टर्म भी लिखो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा x माइनस n माइनस प्लस 1 n आपका कोई भी नेचुरल नंबर है आपसे बोला गया कि f डैश n आपका 5040 है तो बताओ n क्या होगा तो इसमें तो क्या करो इसका नॉर्मल फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या कर दो डिफरेंशिएशन बस अपन को f डैश n से मतलब है तो देखो अगर आप इसको तो लेट करो फर्स्ट फंक्शन तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे लिखो f डैश x इक्वल टू सुनना बात को फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन x माइनस 1 का तो जाएगा 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का क्या करोगे dy / dx लिखना नहीं है सुनना है केवल तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब बच्चों x को n पुट करोगे तो सीधा देखो f डैश n क्या आ गया जीरो ये तो सर जीरो हो गया अपना बिल्कुल जीरो इनटू समथिंग कुछ भी हो ना जीरो और इसमें एन को मान लोगे तो एन इक्वल टू वन केवल कहां से कहां पुट करोगे आप ओनली इसके अंदर पुट करना है तो देखो इसमें पुट कर लेते तो क्या आ गया एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 ये आ जाएगा वन वन मतलब इससे जस्ट पहले कौन आ रहा होगा टू आ रहा होगा तो ये क्या बन गया फैक्टोरियल एन n माइनस वन एन माइनस वन से लेके और इसकी वैल्यू गिवन है 5040 अब इसका एक ही ऑप्शन है आपको देखना है कि n की कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये 5040 आ रहा है वैसे याद भी होना चाहिए सर है मेरे को तो याद नहीं है तो इसमें सर n को क्या पुट करोगे तो याद है क्या n को सर 8 पुट करना पड़ेगा इसमें बिल्कुल n को 7 ना n को 8 सेव फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आती है बिल्कुल बट फैक्टोरियल 7 होता है ना 5040 हां तो n को 8 पुट करने पर जाएगा ठीक है ना तो ये आप कर सकते हो कोई बड़ा काम नहीं है और उसको तरीका भी करने का कि इसकी फैक्टर कर दो आप और उसको फैक्टर की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो ठीक है ना हाँ। तो n फर्स्ट क्वेश्चन में तो n 8 आ गया तो 8 किस किस से डिविजिबल होगा 2 से देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है इसने तो 2 से भी डिविजिबल होगा 4 से होगा और 8 से तो इसका a और c आंसर होगा सर हाँ तो p का तो आंसर आ गया a और c ठीक है ना p एंड p हाँ a और c आंसर होगा p पार्ट का तो फर्स्ट पार्ट तो ऐसे करना है अब अपन एक काम करते हैं एक बार इसे हटा देते हैं ना पूरा मत हटाओ तो हाँ ऊपर वाला काम आ गया वैसे याद है मेरे को एवरेज जीएक्स का मीनिंग क्या है हटा देते कोई बात ठीक है ना अब सेकंड पार्ट क्या है कि जीएक्स इज डिसकंटीन्यूअस एट 9 पॉइंट्स जीएक्स इक्वल टू 5 एट 8 सॉल्यूशन दैट एन इज लेस देन और फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ पार्ट है कि इक्वेशन एवरेज एक्स इक्वल टू 0 के रूट इतने हैं कि इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट हैज रूट दिस पार्ट तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है तो काम करते पहले इस एस पार्ट को फ्री करते हैं फिर अगले दो पार्टों में Only gx का रोल है तो उसको बाद में देखते हैं ठीक है तो देखो s पार्ट का मीनिंग क्या है कि f डैश x के नंबर ऑफ रूट
इसके इक्विवेलेंट कर दो आपको एन आ जाएगा आपका। तो एक बात बताओ, आपके पास जो एफ एक्स इक्वेशन हुई है ना, तो इधर देखो ब्लैक बोर्ड पे, ये एन डिग्री की पॉलीनोमियल इक्वेशन है, ये वन पे जीरो आ रहा है, ये टू पे जीरो, ये तीन पे जीरो, एन पे जीरो। तो एक बात सुनो, जब आप इसका डायग्राम बनाओगे, अपना जो एफ एक्स है वो क्या है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, डॉट डॉट डॉट, एक्स माइनस वन। तो ये एन डिग्री का पॉलीनोमियल फंक्शन है आपका। तो जब आप इसका रफली डायग्राम बनाओगे, तो ये वन पे जीरो, ये टू पे जीरो, ये थ्री पे जीरो, ये एन पे जीरो। तो इसका मतलब एक तो रूट वन से एवरेज एक्स का, एक रूट वन से टू में होगा, एक टू से थ्री, थ्री से फोर, अप टू सो ऑन। तो यार एफ ऑफ एक्स दिस पार्ट वन टू थ्री एन पे जीरो आ रहा, मतलब इसके एन रूट हैं, तो एफ डैश एक्स के एन माइनस वन रूट होंगे, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के कितने रूट होंगे, एग्जैक्टली एन माइनस वन। तो ये आपको किसकी इक्विवेलेंट करना है वो देखते हैं, एक और ऑप्शन में वो आपको इक्विवेलेंट करना है एन माइनस फाइव का स्क्वायर एन माइनस वन, एन माइनस फाइव का स्क्वायर एन माइनस वन। तो देखो एन माइनस वन कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में एन वन से ग्रेटर बोला गया, तो सीधा आ गया ये एन माइनस फाइव का स्क्वायर इक्वल टू वन, तो देन एन माइनस फाइव इक्वल टू प्लस माइनस वन, जब टेकिंग प्लस लोगे तो एन सिक्स आ गया, और टेकिंग माइनस लेने पे एन की वैल्यू हो सकती है सिक्स एंड फोर। तो इसमें देखते हैं क्या ऑप्शन है, शायद एन के संभव मान है तो फोर एंड सिक्स, तो इसका ए और बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, एस पार्ट का आंसर ए और बी होगा। अब अपन बात करते हैं क्यू और आर की। Q और R में देखो क्या बोला गया है, GX is discontinuous at 9 point. तो आपको ये देखना है कि GX अगर 9 point पे क्या discontinuous, तो बताओ N की वैल्यू क्या हो सकती है। तो चलो अपन बात करते हैं, तो GX क्या था अपना, ये देखो पहले तो अपना GX था f'x upon fx। तो देखो ये तो बहुत सिंपल पार्ट है, जो फंक्शन fx है वो क्या है, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस n, सही है ना। तो अपन को f'x अपन fx लाना है, तो एक काम करो इसका log लेके कर दो डिफरेंशिएशन, क्योंकि log f(x) का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f'x का। और जब log लोगे तो देखो क्या होगा, ln f(x) equal to ln a b c d को ln a plus ln b plus ln c plus up to so on x minus, और डॉट 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 आ जाएगा लास्ट में ln of x minus x minus n। तो इसका तो आ गया वन अपॉन एफ एक्स और एफ एक्स का एवरेज एक्स, तो सिंपल दिस इज जी एक्स। तो ये आ गया एवरेज एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन, वन अपॉन एक्स माइनस टू। हाँ, एक और लिख देते हैं समझाने के लिए, और डॉट 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 प्लस वन अपॉन एक्स माइनस, ये आपका एवरेज एक्स अपॉन एफ एक्स, और इसी को क्या बोला गया क्वेश्चन में, जी एक्स। ठीक है, अब इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है अपन को। अब इसके बाद थोड़ा और आगे देखते हैं, ये आगे gx। अब देखो अगला पार्ट तो बहुत सिंपल है, gx कितने पॉइंटों पे डिसकंटीन्यूअस है, क्वेश्चन में बोला है 9 पॉइंट। तो एक बात बताओ, ये देखो 1 अपॉन ये 0 पे 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 पे डिसकंटीन्यूअस होगा, तो ये 2 पे होगा, ये 3 पे और ये n पे। तो एक बात बताओ, ये 1 पे डिसकंटीन्यूअस है, ये 2 पे, 3 पे, तो n अपन को 9 पॉइंट पे लाना है इसको डिसकंटीन्यूअस, तो n की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, 9 होगी, मतलब n जब 9 होगा तो इस केस में ये 9 पॉइंट्स पे क्या होगा बच्चों, डिसकंटीन्यूअस। तो n आपका 9 आ गया, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, अपन को उसको देखते हैं एक बार, n ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देखो अपन को ऑप्शन कैसे टिक करना है, अपना n आया 9, ध्यान रखना अपना तो n क्या 9। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है n किस से ग्रेटर और इक्वल है, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन को 4 लेते हो आप, तो बोल सकते हो ना n ग्रेटर देन 4, हां सही है, क्योंकि n इक्वल टू 9 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। n greater than 6 ये भी करेक्ट होगा, n greater than 8 और n greater than 9 सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। हाँ, अगर जैसे 10 लिख दिया जाए ऑप्शन में और फिर आपने लिखा कि n greater than 10, तो ये गलत है क्योंकि 9 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है सर। तो इसके अकॉर्डिंग इसके ऑल फोर ऑप्शन आर करेक्ट। उसके बाद अभी तो एक पार्ट वाले ये भी देख लेते फटाफट, अगले पार्ट में क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया कि gx equal to 5 has 8 solution, मतलब ये जो gx है इसको अगर 5 पे इक्विवेलेंट करें तो इसके टोटल 8 सॉल्यूशन बताओ n की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको डायग्राम से करना पड़ेगा अपन को। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे g डैश x, तो देखो क्या आएगा, इसका तो आएगा माइनस के वन अपॉन एक्स माइनस का स्क्वायर, माइनस के वन अपॉन एक्स माइनस का स्क्वायर। तो सब में माइनस कॉमन आके अंदर सबके साथ अपॉन में होल स्क्वायर आ रहा है,
तो इसका मतलब ये अंदर वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव और आगे माइनस आ रहा है तो जी डे सेक्स नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जी एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसके डायग्राम की बात करेंगे अपन। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनाना है, इधर बनाते हैं सिंपल है इसका डायग्राम। देखो ये पता है जो जी एक्स का डायग्राम है ये 1, 2, 3 और एन पे क्या देगा, वर्टिकल टेंजेंट, क्योंकि इस पे स्प्लिट होगा। तो जैसे लेट ये 1 है, ये लेट 2 है, ये लेट 3 है, ये लेट 4, इससे सफिशियंट काम हो जाएगा अपना। तो देखो तो वर्ट पे वर्टिकल टेंजेंट होगी, 2 पे भी वर्टिकल टेंजेंट होगी, 3 पे भी वर्टिकल टेंजेंट होगी और 4 पे भी क्या होगी, वर्टिकल टेंजेंट। तो देखो सिंपल सी बात है, ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, तो जब एक्स को 0 पुट करोगे ना तो -1 -3 -1 मतलब सारा कुछ नेगेटिव आ रहा है, मतलब 0 के रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू नेगेटिव होगी और फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब वैल्यू डिक्रीज करेगी बाद में कम होती है। तो 1 पुट करोगे ना तो 1 पुट करने पे ये तो सारा कुछ नेगेटिव आएगा, लेकिन इसमें 1 से जस्ट लेस पुट करोगे तो ये माइनस नेगेटिव 0 देगा और 1/-0 माइनस इनफिनिटी की तरफ, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर दोबारा ये 2 पे दोबारा माइनस इनफिनिटी आने वाला है, 1 से जस्ट बड़ा लोगे तो प्लस इनफिनिटी देगा, तो डायग्राम दोबारा नीचे से आएगा। ठीक है, 2 प्लस पे अगेन पॉजिटिव 0 दे गए तो डायग्राम दोबारा ऐसे बनेगा, फिर अगेन ऐसे। ठीक है, ये डायग्राम रफली ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन बोलेगा कि gx इक्वल टू 5x8 सॉल्यूशन, तो gx का डायग्राम है और 5 की लाइन कैसे होगी ऐसे, तो देखो एक सॉल्यूशन ये आ गया, एक सॉल्यूशन दिस आ गया, एक दिस आ गया, तो अपन को टोटल देखने 8 सॉल्यूशन। तो देखो 8 सॉल्यूशन कब आ सकते हैं, जब x 1 से 2 के बीच में होगा तो एक सॉल्यूशन आ गया, एक सॉल्यूशन तो आएगा 1 से 2 के बीच में, अगला 2 से 3 के बिटवीन, अगला 3 से 4 के बिटवीन, हमको कहां तक जाना है, टोटल 8 सॉल्यूशन तक। तो क्या आएगा, 8.9, तो उस केस में 9 सॉल्यूशन होंगे, सॉरी 8 सॉल्यूशन होंगे, तो n की वैल्यू फिर क्या होगी, 9 होना मस्ट है उसमें। तो जब n आपका एग्जैक्ट 9 होगा उस केस में दिस इक्वेशन के टोटल 8 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या पूछा गया, n का मान n इज लेस देन और इक्वल टू, तो n 6 n लेस देन और इक्वल टू, n किससे छोटा है बराबर है, तो इसका आंसर होगा 8 और 9, सी और डी, तो इसका सी और डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको आई एन गिवन है तो आपको दिस पार्ट के समेशन की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले इस आई एन को सोल्व करना, मतलब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। और ये आपको पता होगा जब भी एन अगर गिवन हो, कुछ भी हो एन, आपको टेन स्क्वायर एक्स, टेन क्यूब एक्स, टेन की पावर 4x का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो क्या करो, ए टेन स्क्वायर उसमें से कॉमन लेते हैं, तो क्या जाएगा, सॉरी आई एन इक्वल टू 0 to π/4 10 स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे तो ये आ गया 10 की पावर n माइनस 2 x, और जो 10 स्क्वायर कॉमन लिया है उसको लिखो सर, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो in क्या आ गया, 0 से पाई बाई 4 10 की पावर n माइनस 2 x, दिस इज। और देखो जब इसको आगे शिफ्ट करोगे तो क्या आ गया, 0 से π/4 tan ऑफ n माइनस 2 x dx, तो ये तो क्या बन गया, आई एन माइनस 2, क्योंकि ठीक है, मतलब ये आ गया आई एन माइनस 2, तो इसको आप इधर ले आओ तो प्लस आ गया ना, तो ये आ गया आई एन प्लस आई ऑफ n माइनस 2 इक्वल टू। देखो इसमें क्या करना है, जब tan x को t लेट करोगे तो ये तो dt में चला गया, sec स्क्वायर x dx, तो क्या बन जाएगा, tan x को आपको t पुट करना है तो dt में चला गया, और लिमिट क्या आएगी, 0 से 1 t की पावर n माइनस 2 dt, तो जब देन आपका इसका जब क्या करोगे इंटीग्रेशन, तो ये आ गया in प्लस in माइनस 2 इक्वल टू 1/(n-1)। सिंपल ये एक रिजल्ट आ गया, बस इसी को फर्दर अपन को यूज करना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने SN की। तो देखो इस SN में क्या करना है, तो SN के लिए अपन इसको हटा देते हैं, और क्या, तो देखो क्वेश्चन में SN क्या गिवन है, SN इक्वल टू सिग्मा, तो सिग्मा को सॉल्व करने से पहले इस अंदर वाले पार्ट के बारे में देखो आप, तो देखो ब्लैक बोर्ड पे
इन दोनों में तो कॉमन आ रहा आई एन, इसके फैक्टर हो रहे हैं बहुत इजीली। बिल्कुल सर। तो जब आई एन कॉमन लोगे आप तो आई एन प्लस वन प्लस आई, तो ब्रैकेट में जाएगा आई एन प्लस वन प्लस आई एन प्लस थ्री, और ये कॉमन लोगे तो इसमें भी आई एन प्लस टू कॉमन लोगे ना, तो ये भी आई एन प्लस वन प्लस आई एन प्लस थ्री आ गया। इसका मीनिंग एक फैक्टर तो आ गया आई एन प्लस वन प्लस आई एन प्लस थ्री, और अगला आ गया आई एन प्लस टू। हाँ ना, अब देखो आई एन प्लस टू और आई एन प्लस वन प्लस आई एन प्लस थ्री, अब इसकी वैल्यू इससे पुट कर दें तो क्या जाएगा, एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू जीरो से एन। आपको आई एन प्लस टू लाना है तो एन प्लस टू लाने के लिए इसमें रिप्लेस कर दो एन को एन प्लस टू से। तो देखो आप ब्लैक बोर्ड पे एन को जब एन प्लस टू से रिप्लेस करोगे, ये तो आई एन प्लस टू बन गया, ये आई एन बन गया, और इधर वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये तो आ गया वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस वन। सिमिलरली जब आप इसमें पुट करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो इसमें पुट करने पे क्या आएगा आई एन प्लस वन, तो आई एन प्लस वन लाने के लिए एन प्लस थ्री लाने के लिए एन को पुट कर दो अगेन एन प्लस थ्री, तो एन प्लस थ्री लेने पे आ गया आई एन प्लस आई एन प्लस आई एन प्लस थ्री प्लस आई एन प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस टू। और अब आपको पता होगा कि दोनों का डिफरेंस वन है, तो अपन इसका डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो मैं इसको लिख देता हूं, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, वन अपॉन, देखो दोनों का डिफरेंस बना रहा है, इसका मतलब एक में से दूसरा माइनस करोगे तो एलसीएम न्यूमेरेटर में वन ही आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या लिखोगे, वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू एन प्लस टू। देखो इसको उधर शिफ्ट करो, इसको उधर शिफ्ट करो, एलसीएम भी आ गया ऊपर बना, फिक्स है, वन अपॉन लोअर माइनस वन अपॉन बड़ा, मतलब पहले छोटे को लिखना है बाद में बड़े को, ताकि डिफरेंस सीधा पॉजिटिव आएगा। और अब कुछ नहीं करना, जब आप समेशन पुट करोगे, सिग्मा को ओपन करोगे, तो देखो एन को जीरो पुट करो तो वन माइनस वन बाई टू, एन को वन पुट करोगे तो वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, अगला पुट करोगे तो वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, और ये प्रोग्रामिंग कब तक चलेगी, इन्फिनिटी तक। तो वन बाई टू से वन बाई टू, इससे ये चला गया तो ओनली क्या जाएगा एस एन इक्वल टू वन। तो इसका आंसर टिक करना, क्योंकि इसने बोला ना लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात की गई है इसमें, ठीक है। चलो तो इसका वन आंसर फिल करना प्रभु। चलो सर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ क्वेश्चन 18 में देखो क्या करेंगे, फंक्शन दे रखा है अपने को एफ आर सी आर डिफाइंड बाई फॉर द फंक्शन दिस, तो फंक्शन अपने को दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स। अब अपने से क्या कह रहा है कि इंटीग्रल जो अपने पास दे रखा है एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, उसके जो वैल्यू वो क्या है पाई स्क्वायर बाई टू माइनस के, तो के की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन आ रहा है, तो पहले अपन क्या करते हैं इनवर्स फंक्शन को यहाँ से गायब कर लेते हैं, कैसे, बाई एज्यूमिंग दिस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी डी। यस सर। इससे क्या फायदा होगा अपने को कि इनवर्स जो फंक्शन दिख रहा है ना वो कम हो जाएगा, गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू एफ टी पुट किया तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से एफ डैश टी डी टी, ये आ गया। अब देखो लिमिट क्या है अपनी, जीरो टू पाई, तो जब एक्स इक्वल टू जीरो होगी तो बड़े ध्यान से देखना, एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो एफ टी क्या है जीरो आ गया, और एफ टी जीरो आने का मतलब टी निकालना है अपने को, तो एफ टी जीरो है, यानी कि अपने फंक्शन में क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस साइन एक्स, तो एक्स प्लस साइन एक्स जीरो कब होगा, एक्स को जीरो करो आप, तो क्या आ जाएगा यहां से आ गया ये जो समझ रहा है एफ जीरो क्या चाहिए अपने को जीरो, तो वो कब रहा होगा जब एक्स की वैल्यू क्या रही होगी जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया लोअर लिमिट आ गया, लोअर लिमिट क्या आ गई इसकी जीरो। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अपर लिमिट की, तो क्या है अपने पास एक्स इक्वल टू पाई, तो पाई पे क्या आएगा एफ ऑफ पाई इक्वल टू पाई। अब देखो x की जगह पाई रखना है तो क्या हो जाएगा f ऑफ पाई इक्वल टू पाई पाई, इसमें भी मतलब f ऑफ t पाई आ गया, और इसमें भी x को पाई रखने पे क्या आ गया पाई, मतलब t भी दोबारा क्या आ गया पाई आ जाएगा, पाई आ जाएगा, लिमिट चेंज नहीं होगी, मेन बात है इसमें लिमिट चेंज नहीं हो रही है अपना, है ना जीरो टू पाई पाई। अब आ जाओ f इनवर्स x क्या हो जाएगा t, और dx की जगह जाएगा f t dt, यस सर f t dt। अब लगा दो आई, अब इसको अपन मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, क्यों, क्योंकि ये डेरिवेटिव दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन एफ टी हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट तो, एजी देखो सर एफ डैश टी का क्या आ गया एफ टी कर देते गुणावा और क्या जीरो से पाई माइनस इंटीग्रेशन वन जीरो से पाई टी का तो बन हो गया हटाओ और इसका एफ टी डी टी। अब आप बोलोगे इस एफ टी का क्या करना है, तो कुछ नहीं है, एफ टी की वैल्यू क्या होगी टी प्लस साइन टी, तो इसकी जगह पुट कर देना बच्चों साइन प्लस टी, हाँ या टी प्लस साइन टी कुछ भी लिखो, तो
देखो इसमें तो सीधा आंसर आ गया पाई पुट करोगे तो पाई एफ ऑफ पाई, और एफ ऑफ पाई अपने पास अभी आया था ना पाई, तो आ गया पाई स्क्वायर। जीरो लेने पे जीरो आ गया, हटा दो और अंदर क्या करना है अगेन टी प्लस साइन टी का इंटीग्रेशन, तो टी का तो क्या होगा सर टी स्क्वायर बाई टू और साइन टी का माइनस कॉस टी और लिमिट लगा देना जीरो से पाई। तो देखो पाई पुट करो तो पाई स्क्वायर बाई टू लेने पे कोस पाई माइनस वन तो प्लस वन और दोबारा माइनस तो माइनस वन आ गया। जीरो लेने पे ये जीरो आ गया और ये दोबारा क्या बन जाएगा जीरो तो वन मिलेगा वन तो अगेन टू हो जाएगा। अरे माइनस भी तो लगा नहीं माइनस तो ये आ गया पाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू तो देन के इसका सर क्या आएगा देखो तो अपने को किसने निकालना था f इनवर्स x का डिवीजन करना, ठीक है। तो देखो fx क्या है x plus sin x, तो मैंने x plus sin x का ग्राफ बनाया है अभी आपके सामने, ये जो ग्राफ है वो किसका है fx का यानी कि x plus sin x का। इनवर्स क्या होगा इसका, जब भी किसी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ बनाना होता है तो अपन क्या करते हैं y equal to x के अबाउट क्या लेते हैं उसकी मिरर इमेज। तो देखो ये ऐसे होगी, ये आ गया। तो अपने को जो एरिया निकालना है वो कौन सा निकालना है, एक तरीके से देखा जाए तो f इनवर्स x का 0 से पाई में, तो आप 0 से लेकर पाई में क्या करना है एरिया निकालना है इसका, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ये निकालना है अपने को। तो आप क्या करना है सिंपल सा, ये एरिया निकाल लो आप, ये वाला जो ये वाला एरिया ना ये अंदर वाला, ये निकाल लो आप, ये नहीं क्या कर लो आप इंटीग्रेशन कर लो वर्टिकल स्ट्रिप लेकर x plus sin x, ये कर दिया फाइंड कर दिया हमने पाई स्क्वायर बाय 2 x plus sin x का 0 से पाई में इंटीग्रेशन कर लेना तो वो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 आ गया, प्लस 2 आ जाएगा है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, उसका आसान तरीका है इस ट्रायंगल के एरिया में से जितना एरिया है उतना ही सर ये था क्यों, बिल्कुल। तो ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, ट्रायंगल के एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट दैट इज पाई इनटू पाई इनटू हाफ, तो ये जाएगा हाफ पाई स्क्वायर, तो ये एरिया आ जाएगा आपका हाफ पाई स्क्वायर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 fx एक कंटीन्यूअस फंक्शन है और गिवन है आपको f'x = f'3 - x 0 से 3 f(0 - 32 गिवन है f(3 46 गिवन है, तो आपको दिस पार्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन इसको सेपरेट लिख लेते हैं, लेट i इक्वल टू 0 से 3 f(dx)। अब इसकी वैल्यू कैसे लानी है, अपन को ये जो फंक्शन की प्रॉपर्टी गिवन है इसको यूज करना है, ये गिवन है f'x = f'3 - x, तो एक काम करो इसका दोनों तरफ कर दो आप इंटीग्रेशन, तो f(x) का तो आ गया fx, f(3 - x) का अगेन f ऑफ 3 - x और माइनस एक्स का तो माइनस और प्लस सी लगा देते हैं, इसको एक तरफ ले आओ तो क्या आ गया एफ एक्स प्लस एफ ओ 3 - x इक्वल टू सी। और ये आने के बाद देखो सी की वैल्यू लाने के लिए काम करो ना, सिंपल एक्स को जीरो पुट कर दो, क्योंकि तो जीरो पे तो एफ ऑफ 0 और ये एफ ऑफ 3 जिसमें दोनों की वैल्यू पता है, तो एक्स को जीरो पुट करोगे तो सी क्या जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 3 46, कितना आएगा सर ये आ गया 14 आ गया, तो c कितना आ गया 14 मतलब f(x) + f(3 - x) 14 गिवन है। तो आप थोड़ा ढंग से देखो ये f(x) है ना, f(3 - x) लाना है तो इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो x रिप्लेस बाय a + b - a, जब कोई भी ऑप्शन ना हो तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूजफुल है p4 कि x को अपर प्लस लोअर लिमिट - x पुट करोगे तो क्या आ गया i इक्वल टू 0 से 3 f ऑफ 3 - x 3 - x dx, और उसके बाद जब ये प्रॉपर्टी लगाते तो दोनों को जनरली क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो जब ऐड करोगे तो क्या आ गया 2i इक्वल टू 0 से 3 दिस प्लस दिस और ये कितना है c और c कितना आ गया 14x, क्या आ गया बोलो 14x dx, तो 14 तो कांस्टेंट है dx का x होगा और लिमिट पुट करो तो क्या आ गया 3 मतलब ये आ गया 2i इक्वल टू 14 इनटू 3 तो देन 21 i आ जाएगा 7 इनटू 3 तो i को जब इधर पुट करोगे तो 3 कैंसिल होके इसकी वैल्यू क्या मिलेगी सर 7 ठीक है 7 आंसर जाएगा इसका, ठीक है चलो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ठीक क्या देखा है अपने को फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 0 पर 2 पर और
फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू 2 पर दे रखी है 5, तो कह रहा है कि बताओ x f डबल डैश 2x की वैल्यू क्या होगी इंटीग्रल की, है ना, 0 से 1 में। तो देखो सबसे पहले क्या करा आप, देखो अपने पास लिखा हुआ है 0 से 1 x f डबल डैश 2x, या तो इसे करें पहले 2x को t मान लें ना, कुछ नहीं कर पड़ना है, चलो कर लेते हैं, सीधे कर लेते हैं डायरेक्ट, जैसा भी अच्छा लगे कोई दिक्कत नहीं। हां ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अपना f डैश 2x अपॉन अपॉन में 2 आएगा डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया। हां अब लिमिट क्या है इसकी 0 से 1 यस सर माइनस x का तो 1 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर अगेन वही पहले वाली बात अपॉन में 2 आएगा उसको मैंने बाहर लिख दिया और लिमिट है अपनी 0 टू 1 टू 1 अब आ गया। अब इसमें देखो 1 माइनस 1 रख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1, तो ये आ गया f डैश, ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो f डैश 2 अपॉन 2 आ गया और 0 पर तो 0 हो ही जाना है ना, 0 इनटू समथिंग 0 माइनस हाफ। यहां देखो यहां फिर से क्या लगा दो आप, इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा f 2x अपॉन 2x अपॉन में क्या आएगा 2 लिया गया और लिमिट लगा दी मैंने इसकी 0 टू 1 0 टू 1 बस अब इसको पुट कर दो आप इसमें, तो यहां तो क्या आ रहा है f डैश 2 अपॉन 2 माइनस 1 बटे 4 माइनस का 1 बाई 2 यहां जाएगा f 2 अपॉन 2 और बाकी 0 पर क्या आएगा 0 पर आएगा प्लस में 1 बाई 4 f 0 हाँ, इनकी वैल्यू पुट कर दे अब इनकी वैल्यू रख दो आप f डैश 2 की वैल्यू तो क्या 5/2 हो जाएगा इंटीजर टाइप, तो 2 आंसर 0 2। चलो उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बेटा, थैंक यू।